तुम लॉयड हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? चूतिया जैसी मूंछों से लग रहा है कि तुम लॉयड हो। बहुत दम है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 12 कमाल की मूवीज और कुछ वेब सीरीज के बारे में जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक से बढ़कर एक और काफी अमेजिंग मूवीज मिलने वाली है। एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हर तरह की मूवीज आपको मिल जाएगी। इसीलिए गाइज, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। हमारी इस वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट रखते हैं 1.5K, देखते हैं आप कितना जल्दी पूरा करवाते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी के काउंट डाउन शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 12 पर आती है ईयर 1। इस मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था। ये मूवी कॉमेडी और एडवेंचर पर बेस्ड मूवी है और मूवी के IMDb रेटिंग से 4.9/10। और दोस्तों, इस मूवी के नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि इस मूवी के अंदर हमें कहानी किस टाइम की दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर जेड नाम के एक आदमी की कहानी दिखाई जाती है जिसे उसके कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे सजा दी जाती है। तो अब इसीलिए आगे जेड ओ नाम के एक हंटर के साथ टीम अप करता है ताकि वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके। लेकिन इस दौरान जेड को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वह दोनों और भी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब ऐसे में आगे उनके साथ क्या होता है वो सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। कमाल की कॉमेडी और एडवेंचर मूवी है। नंबर 11 पर आती है हमारे आयरन मैन यानी कि RDJ की कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है ट्रॉपिक थंडर। 2008 में इस मूवी को रिलीज किया गया था जिसे कि IMDb पर 7/10 रेटिंग्स मिली है। बात करें इस मूवी के बेसिक प्लॉट की, तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक फिल्म क्रू की जो कि एक मूवी की शूटिंग करने के लिए जंगलों में जाते हैं, लेकिन वहां पर ये सभी मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि वहां के जो लोकल ड्रग डीलर है वह इन्हें किडनैप कर लेते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लोग किस तरह से अपने आप को बचाते हैं और मूवी में इस दौरान क्या कुछ एक्शन और कॉमेडी एक्टिविटीज होती है वो सब आपको मूवी के अंदर देखना है। हमारी 10th मूवी है ऑलवेज शाइनी। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। ये मूवी एक थ्रिलर मूवी है जैसे कि IMDb पर 5.7/10 रेटिंग्स मिली है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो इस मूवी के अंदर एना और बेथ नाम की दो लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है जो कि बहुत अच्छी दोस्त होती है और ये दोनों फिलहाल एक्ट्रेस होती है, लेकिन एक दिन ये दोनों डिसाइड करती है कि ये वीकेंड के दौरान किसी अलग जगह पर जाएगी और ये एक जंगल में जाने का डिसाइड करती है। लेकिन उस जंगल के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। तो आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है वहां पर, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। दोस्तों, नंबर 9 पर आती है ब्लॉकर्स। इस मूवी को साल 2018 में रिलीज किया गया था। एक कमाल की 18+ कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे कि IMDb पर 6.2/10 रेटिंग्स मिली है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है लिसा, मिचेल और हंटर की जो कि तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और जिस तरह से ये तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं, इनके जो बच्चे हैं वे भी काफी अच्छे दोस्त होते हैं। और एक दिन इन तीनों को पता चलता है कि इन तीनों के बच्चे प्रॉम नाइट के अंदर जाने वाले हैं और वहां पर इनके बच्चे जो है वे वर्जिनिटी लूज करवाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और ये तीनों बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इनके बच्चे ऐसा कुछ भी करें और इसीलिए ये तीनों निकल जाते हैं किसी भी तरह से इनके बच्चों को रोकने की। तो अब इन सब में बहुत कुछ कॉमेडी और ड्रामा क्रिएट होता है जो कि आपको मूवी के अंदर देखना चाहिए। सो गाइस, हमारी 8th मूवी है वंडर वुमैन। इस मूवी को साल 2017 में रिलीज किया गया था। ये मूवी एक्शन और फैंटेसी पर बेस्ड मूवी है जिसे कि IMDb पर 7.4/10 रेटिंग्स मिली है। और दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वंडर वुमैन को तो हम सभी जानते हैं। और दोस्तों, ये एक DC की बहुत ज्यादा पॉपुलर मूवी है और एक प्रॉब्लम है कि इस मूवी को शायद ऑफिशियली हिंदी में डब्ड नहीं किया गया है। तो अगर आपको फैन डब मूवी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इस मूवी को आप एक बार ट्राई जरूर करना अगर अभी तक नहीं देखा है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर आती है टोगो। इस मूवी को साल 2019 में रिलीज किया गया था और यह एक बहुत ही कमाल की ड्रामा मूवी है जिसे कि IMDb पर 7.9/10 रेटिंग्स मिली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है 1925 की, जहां पर अलास्का शहर के अंदर एक बहुत खतरनाक वायरस फैल जाता है जिस वजह से बहुत लोगों की जाने चली जाती है और बहुत सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और इस वायरस का इलाज एक दूसरे शहर के अंदर होता है, लेकिन वहां से वो इलाज लाने के लिए मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है। तो अब इसीलिए एक आदमी अपने पालतू डॉग के साथ और भी बहुत सारे डॉग्स के साथ निकल जाता है उस सीरम को लाने के लिए। लेकिन क्या वैसा कर पाता है या नहीं और इस दौरान मूवी के अंदर क्या कुछ होता है वो सब आपको मूवी में जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखें। अगर रिमूव हो जाए आपके देखने तक तो ये मूवी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इस मूवी को देख सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। मार्वल की इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था और यह एक बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे कि IMDb पर 7.8/10 रेटिंग्स मिली है। बात करें दोस्तों इस मूवी के बेसिक प्लॉट की, तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे एवेंजर्स की
सुपर हीरोज की जो कि आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारे आधे एवेंजर्स है वे सरकार के अंडर काम करने को तैयार हो जाते हैं और बाकी के आधे एवेंजर्स इस बात से एग्री नहीं होते और भी बहुत सारे पर्सनल इश्यूज भी होते हैं जिस वजह से ये आपस में ही लड़ने लगते हैं। अगर पूरी कहानी आपको जाननी है तो इस मूवी को आपको देखना होगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हमारी फिफ्थ मूवी है बैड बॉयज फॉर लाइफ। इस मूवी को साल 2020 में रिलीज किया गया था। एक कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे कि IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है डिटेक्टिव्स की जिनका नाम होता है माइक और मार्कस, और ये दोनों मियामी पुलिस डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम AMMO को ज्वाइन करते हैं ताकि ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल अरमांडो को पकड़ सके। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो अरमांडो है इसने माइक को एक बार जान से मारने की कोशिश भी की होती है लेकिन वे मार नहीं पाता। अब दोस्तों माइक और मार्कस इसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं लेकिन आगे चलकर सच्चाई जानने के बाद इनके होश जाते हैं। अगर वो सच्चाई आपको भी जाननी है तो इस मूवी को आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए। कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी है, आप जरूर देखें। मैंने अपना टेटुआ लगा दिया तुम्हारे चक्कर में, कब चुकाओगे मेरे फरसान का कर्ज? सर उसे एहसान कहते हैं। अरे कर्ज तो है ना। मैं बस। नंबर 4 पर आती है आर्गो। इस मूवी को साल 2012 में रिलीज किया गया था। एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसे कि IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है। और दोस्तों यह मूवी भी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर एक अमेरिकन ऑफिसर की कहानी दिखाई जाती है जिसे एक मिशन दिया जाता है। दरअसल इस अमेरिकन ऑफिसर को ईरान के अंदर फंसे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को बचाना होगा जिन्हें कि वहां पर हॉस्टेज बना रखा है। अब ये सब किस तरह से करता है वो सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर कोई मूवी नहीं बल्कि वेब सीरीज है जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसके पहले सीजन के 10th एपिसोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और दोस्तों इसी के साथ आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज के पहले सीजन को मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा चुका हूं और वो भी सबसे पहले। तो गाइस इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर भी एक वेब सीरीज है जिसका नाम है द बॉयज, जिसके तीसरे सीजन के 5वें और 6ठे एपिसोड का लिंक मैं आपको आज की वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो गाइज अब फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट की लास्ट और नंबर 1 मूवी की। तो दोस्तों नंबर 1 पर है द ग्रे मैन, जिसको भी रिसेंटली ही 2022 में रिलीज किया गया है और यह एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे कि IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है। और दोस्तों इस मूवी की कहानी के बारे में तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर आपको जॉन विक के लेवल की कोई मूवी देखनी है एक्शन के मामले में तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही अमेजिंग मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों काफी कमाल की मूवी है, जरूर देखना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो हॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज प्लस 2 वेब सीरीज जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नहीं किया है तो, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।